News 18, India. बजट सत्र के पहले आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11:30 बजे संसद के पुस्तकालय भवन में होगी मीटिंग। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज होगी बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर ईडी हेडक्वार्टर ले गए अधिकारी। उनके दिल्ली आवास से कुछ जरूरी दस्तावेज भी ईडी की टीम साथ ले गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर बोला हमला। आज पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। लैंड फॉर जॉब मामले में होगी पूछताछ। कल लालू यादव से ईडी की टीम ने करीब 10 घंटे तक की पूछताछ। जवाब देने के दौरान कई बार झल्लाए लालू प्रसाद। बिहार में कैबिनेट की पहली बैठक में 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र को रद्द करने का प्रस्ताव पास। विधानसभा का सत्र अब 10 फरवरी से। नए सत्र में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 45 जवानों को मार गिराने का किया दावा। कहा जवानों के शव हमारे कब्जे में। बलोच सरकार के मंत्री जैन अचाकजाई ने बीएलए के दावे को बताया गलत। कहा सभी जवान सुरक्षित। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कुछ प्रदर्शनकारियों की चप्पलें भी सड़क पर छूट गईं। ये चप्पलें और मोटरसाइकिलें सड़क पर बिखरी नजर आईं। लेकिन लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी फिर लौटे। ये सारा बवाल मंडिया जिले के केरागोडू गांव में हुआ, क्योंकि इसी गांव के लोगों ने खंबे से केसरिया ध्वज उतारने का विरोध किया और बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता उनका साथ देने पहुंचे। और लाठीचार्ज के बावजूद पीछे नहीं हटे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी और कर्नाटक में उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस के कार्यकर्ता फिर लौटे। हाथों में केसरिया झंडे लेकर पहुंचे ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हाथों में डंडे लेकर खड़े पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। इससे बवाल और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए, आगे बढ़ने के लिए अड़ गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए। इस सब के बीच वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बीच कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में केसरिया ध्वज लहराते हुए ट्रक पर सवार होकर आए। ये ट्रक वहां आकर रुक गया जहां सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। इस प्रदर्शन में ज्यादातर लोगों के हाथों में हनुमान की तस्वीर वाला केसरिया झंडा था, क्योंकि ये पूरा प्रदर्शन ही केसरिया झंडे के लिए था। पिछले हफ्ते मंडिया के एक गांव में 108 फीट ऊंचे खंभे पर केसरिया झंडा फहरा दिया गया। बताया गया कि झंडे पर हनुमान की तस्वीर थी, और जैसे ही जिला प्रशासन ने झंडे को पोल से उतारा मामले पर विवाद हो गया।